दोस्तों इस वीडियो में हम पूछेंगे जीके का 5 बड़े ही मजेदार सवाल जो आपके जीवन बनाने में मदद करेगी और हर बीमारी से लड़ने की क्षमता बन जाएगी आप में कि आप एक दूसरे को भी देखभाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अभी और इसी वक्त। सवाल नंबर 1, नज़ला जुकाम कैसे ठीक होता है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए, दोस्तों की अच्छा जानकारी आपके पास में डायरेक्ट मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है तुलसी मिश्री का जो है चाय बनाकर पीना चाहिए, 2 दिन में आपको बुखार उतर जाएगा। दोस्तों जुकाम भी होगा तो भी मिट जाएगा। तुलसी पता लेना है, मिश्री लेना है, उसको चाय बना करके पीना है। सवाल नंबर 2, सफ़ेद दाग कैसे ठीक होता है तुरंत। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए, दोस्तों की अच्छा जानकारी आपके पास में मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है बथुए का साग प्रतिदिन खाने से ठीक होता है सफ़ेद दाग। बहुत लोगों को सफ़ेद दाग हो जाती है और आपको क्या करना है कि ठंडा चीज़ से परहेज करना है, तो आपको सफ़ेद दाग कितना पुराना होगा तो ठीक हो जाएगा। दोस्तों सवाल नंबर 3, सुबह पेट में गड़बड़ सरबर हो जाए यानी लेटिंग से आने के बाद में फिर लेटिंग महसूस लगने लगे या पेट फूल जाए तो क्या करना चाहिए। दोस्तों इसका सही आंसर है चीनी तुरंत खाना चाहिए, 1 चम्मच चीनी अगर तुरंत खाते हैं तो आपको मीठा मीठा पेट भी दर्द करता होगा वो भी ठीक हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि गड़बड़ सरबर खाना खाने के कारण सुबह में 2-3 बार लेटिंग लगती है तो सब ठीक हो जाएगा। सवाल नंबर 4, कब्ज़ कैसे ठीक होता है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए, अच्छा जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी। दोस्तों दोस्तों इसका सही आंसर है 1 गिलास संतरे का जूस पीने से कब्ज ठीक हो जाता है तुरंत, लेकिन आपको संतरे के जूस में थोड़ा सा काला नमक मिला लेना है तब उसको पीना है और फायदा करेगा ज़्यादा। दोस्तों सवाल नंबर 5, बाल लंबा करने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों दोस्तों इसका सही आंसर है रोज़ सुबह गन्ना का रस चूसना चाहिए। जो लोग गन्ना का रस चूसते हैं उनको ये बीमारी कभी नहीं होती है। दोस्तों बाल जो है लंबा हो जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें।